दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो रिव्यू को और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नो रिव्यू में। और चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं आज की बहुत ही ताजा और मजेदार टेक न्यूज। काफी सारी इंटरेस्टिंग न्यूज आई है दोस्तों, पर वीडियो पे बने से पहले इसे लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूरत है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो नीचे आपको मिल जाएगा रेड सब्सक्राइब बटन, उसे जरूर क्लिक कर लीजिए और उसी के पास है बेल आइकन, उसे भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों सबसे पहली खबर की बात की जाए तो इंडिया की रैंक काफी नीचे है मोबाइल गेमिंग एक्सपीरियंस में। ओपन सिग्नल से एक रिपोर्ट आई है जिसमें इंडिया की रैंक मोबाइल गेमिंग एक्सपीरियंस में है 64 आउट ऑफ 100। और इंडियन मोबाइल गेमर्स की बहुत सारी कंप्लेंट्स है डिले इन एक्शन को लेकर ड्यू टू मोबाइल नेटवर्क। काफी स्लो मोबाइल नेटवर्किंग है इंडिया में जिसलिए इंडिया की रैंकिंग मोबाइल गेमिंग एक्सपीरियंस में काफी नीचे है। अब दोस्तों कोरोना वायरस की डर तो हर तरफ मची हुई है लेकिन यहाँ पर आपकी कंप्यूटर्स भी अफेक्टेड हो सकती है कोरोना वायरस से। ये कोई मजाक नहीं है, बहुत सारी हैकर्स कोरोना वायरस की डर की सिचुएशन को उनके फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। अभी काफी डर मची हुई है हर तरफ और बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं कि कितनी एरिया अफेक्टेड हुई है या फिर किन किन कंट्रीज अफेक्टेड हुई है कोरोना वायरस से। तो इसकी एक हीट मैप आपको मिलता है और ये जो हीट मैप है ये असल में कोई मैप नहीं है, इससे कुछ मैलवेयर्स आ जाती है आपके कंप्यूटर में। एक साइट आप देख सकते हो जो कि मैंने लिंक दी है स्क्रीन पे भी। आपको अगर कोरोना वायरस के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कोई ट्रस्टेड साइट पे जाके इन्फॉर्मेशन लीजिए, पर इस साइट पे मत जाइएगा क्योंकि अगर आप इस साइट पे जाते हो तो आपको एक मैप तो दिखेगा लेकिन जब भी आप इस साइट पे जाओगे तो मैलवेयर डाउनलोड हो जाएगी आपके कंप्यूटर में जो कि आपकी पर्सनल डेटा क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन चुरा सकता है। तो इस साइट से जरा बच के रहिए। अब दोस्तों कोरोना वायरस की बात हो ही रही है तो आपको पता ही होगा अगर आप किसी को कॉल करते हो तो कॉलर ट्यून आपको सुनाई नहीं देता। अभी यहाँ पर आती है कोरोना वायरस की एड। ये गवर्नमेंट की एक इनिशिएटिव है लेकिन काफी सारे लोग ये सेम ही एड सुनते सुनते कम्प्लीटली थक गए हैं और यहाँ पे आपको पता भी नहीं चलता है कि आपकी कॉल कनेक्ट हो रही है या नहीं। तो एक ट्रिक भी आई है इसके ऊपर, आप इस एड को स्किप कर सकते हो। अब मेरी ओपिनियन है कि इसे स्किप मत कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट मैसेज है आपकी सुरक्षा के लिए ही, पर यहाँ पे इस ट्रिक को आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप किसी को कॉल करते हो और उसमें आपको सुनाई देती है कोरोना वायरस की अवेयरनेस मैसेज तो सिर्फ आपकी डायलर पे आपको डायल करनी होगी 1 या फिर हैश। और इस ट्रिक के हिसाब से अगर आप ये ट्राई करते हो तो अलर्ट मैसेज स्टॉप होके आप सुन पाओगे ओरिजिनल कॉलर ट्यून। वैसे ये काम करता है या नहीं इसे ट्राई करके नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। अब दोस्तों सैमसंग की तरफ से यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक अपडेट है और यहाँ पे आई है सैमसंग की नई टीवी अनबिलीवेबल और इसकी प्राइस स्टार्ट होती है बहुत ही एग्रेसिवली 12,990 से। दो टीवी लॉन्च हुई है 32 इंच एंड 43 इंच की और इस टीवी में आपको मिलता है एक पर्सनल कंप्यूटर मोड जिससे यूजर्स ट्रांसफॉर्म कर पाएगा स्मार्ट टीवी को एक कंप्यूटर में। अब दोस्तों बहुत ही तगड़ी न्यूज आ रही है OnePlus की तरफ से और OnePlus 8 एंड 8 Pro लिस्ट हो चुकी है डेना पे, पर यहाँ पे OnePlus 8 Lite लिस्ट नहीं हुई है जो कि ये इंडिकेट करती है कि इन दोनों फोन्स के साथ लॉन्च नहीं होगी OnePlus 8 Lite और शायद से OnePlus 8 Lite लॉन्च हो सकती है इंडिया में जुलाई के महीने में। ऐसी खबर आई है सोर्सेस से 25,000 से 30,000 के अंदर आएगी OnePlus 8 Lite। और क्या आप हो एक्साइटेड इस फोन के बारे में या नहीं, ऊपर बोल में वोट देके हमें जरूर बताइए। अब दोस्तों एयरटेल यूजर्स के लिए यहाँ पे है खुशखबरी क्योंकि रिपोर्ट के हिसाब से एयरटेल में आपको मिलता है बेस्ट डाउनलोड स्पीड। और इसी रिपोर्ट के बेसिस पे ये भी इन्फॉर्मेशन आई है कि इंडिया में एयरटेल की नेटवर्क क्वालिटी है सबसे बेस्ट। अगर आप डाउनलोडिंग स्पीड की बात करते हो तो उसमें फर्स्ट आई है एयरटेल, पर इसी झूठेला रिपोर्ट के हिसाब से अपलोडिंग जो स्पीड होती है उसमें बेटर परफॉर्म किया है वोडाफोन ने। अभी दोस्तों डार्क मोड हमें सभी चीजों में मिल रही है, यूट्यूब पे हो, ट्विटर पे हो या फिर व्हाट्सएप पे, पर डार्क मोड की सपोर्ट अभी आ गई है प्ले स्टोर में भी। प्ले स्टोर की सेटिंग्स में जाके आपको मिलेगा थीम्स की ऑप्शन और वहां से जाके आप इनेबल कर सकते हो डार्क मोड इन प्ले स्टोर। अब दोस्तों यहाँ पे अमेजोन पे एक बहुत ही बढ़िया अपडेट हुई है। अगर आप अमेजोन की ऐप को खोलते हो तो ऊपर आपको मिलेगा एक माइक्रोफोन की ऑप्शन और ये अमेजोन की नई स्पीच टू सर्च की ऑप्शन। यहाँ पर आप कुछ भी बोल के सर्च कर सकते हो, यानी कि जो भी आपको ढूंढनी है या फिर अगर आप किसी चीज को कार्ट पे ऐड करना चाहते हो तो सिर्फ आपको बोलना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे ऑनर की तरफ से आ रही है एक अपडेट और ऑनर 30S ये फोन एक्सीडेंटली लीक हो चुकी है एक मार्केटिंग कैंपेन में। इस फोन की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है अप्रैल में और जो लीक फोटो यहाँ पे आई है उसके हिसाब से ये फोन काफी सिमिलर है टू ऑनर 20X। इस फोन में आपको मिलेगा 5G कनेक्टिविटी और फोन आएगा 40 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। अब दोस्तों बढ़ते अगली खबर पे और लावा पे यहाँ पे आ चुकी है। ये एक पेमेंट एप्लीकेशन है फीचर फोन्स के लिए और इसके थ्रू पेमेंट करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है। कस्टमर्स को सिर्फ रजिस्टर करनी होगी UPI पे अपनी अपनी बैंक से और लावा पे आप उन यूजर्स के लिए है जो कि आज के दिन में भी बहुत ही ज्यादा भरोसा करते हैं ऑफलाइन बैंकिंग पे। अब दोस्तों बढ़ते अगली खबर पे और Redmi K30 Pro ये स्मार्टफोन तो बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाली है चाइना में
और काफी ज्यादा बात चल रही थी कि यही फोन रीब्रांडेड होके आएगी इंडिया में एस पोको F2। पर ट्विटर पे एक टिप्सटर ने ट्वीट किया है कि ऐसा होने की चांसेस ज्यादातर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइसिंग होगी रेडमी K30 प्रो की वो होगी $430। अगर आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हो तो होती है काइंड ऑफ 30 to 31,000। तो क्योंकि रेडमी K30 प्रो की लीक प्राइसिंग इतनी ज्यादा है, तो ऐसी खबर आ रही है कि शायद से ये फोन रीब्रांडेड होके इंडिया में ना आए एस पोको F2। अब दोस्तों कल ही लॉन्च हुई है रेडमी नोट 9 सीरीज में रेडमी नोट 9 प्रो एंड रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स। मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, अमेजिंग प्राइसिंग के साथ बहुत ही बढ़िया स्पेक्स भी आपको मिलता है। लेकिन अभी यहाँ पे खबर आ रही है रेडमी नोट 9 की, तो बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन थी कि कहाँ पे है रेडमी नोट 9, और यहाँ पे आई है एक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में कि रेडमी नोट 9 लॉन्च हो सकती है मीडियाटेक हेलियो P75 चिपसेट के साथ। Redmi Note 9 होगी सक्सेसर टू Redmi Note 8 और ये पहली फोन होगी जिसमें आपको मिलेगा MediaTek की Helio P75 चिपसेट। वैसे आपकी क्या है ओपिनियन इस बारे में, क्या हिट होगी अगर ये आती है इस चिपसेट के साथ या नहीं, ऊपर पोल में वोट देके हमें जरूर बताइए। अब दोस्तों बढ़ते हैं कुछ Realme की अपडेट्स पे, और सबसे पहले तो यहाँ पे खबर आ रही है Realme स्मार्ट वॉच की। जी हाँ, ये आ चुकी है IMDA सर्टिफिकेशन पे और ये हिंट करती है कि Realme स्मार्ट वॉच बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाली है। इसमें आपको एक सर्कुलर डायल मिलता है और कलर डिस्प्ले आपको मिलेगा अपकमिंग रियलमी स्मार्ट वॉच में। अब दोस्तों रियलमी की 6 सीरीज लॉन्च हुई कि नहीं, यहाँ पर खबर आ गई है रियलमी 6i की। या दोस्तों इस फोन की मॉडल नंबर है RMX2040 और बहुत सारी पिक्चर्स भी कुछ दिनों पहले लीक हुई थी। तो रियलमी 6i की जो लीक फोटोज आई है उसे अगर आप देखते हो तो इसकी डिजाइन मैच नहीं करती है रियलमी 6 एंड रियलमी 6 प्रो के साथ। पर इसमें आपको मिलेगा हीलियो G80 चिपसेट और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आई है इसके लॉन्च के बारे में। सबसे पहले तो इंडिया में लॉन्च नहीं होगी, फर्स्ट ही लॉन्च होगी इन म्यांमार और इसकी लॉन्च डेट है मार्च 17। और Realme 6i बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाली है इंडिया में भी, क्योंकि आ चुकी है BIS सर्टिफिकेशन पे। लीक्ड फोटोज के हिसाब से इस फोन में आपको मिलेगा वाटर ड्रॉप नॉच, फोन आएगी क्वाड कैमरा सेटअप के साथ और प्राइमरी सेंसर इस फोन में आपको मिल सकता है 48 मेगापिक्सल की। वैसे क्या आप हो एक्साइटेड इस फोन के बारे में या नहीं, ऊपर पोल में वोट देके हमें जरूर बताइए। और दोस्तों उसी के साथ Realme की एक और फोन की खबर आई है जिसकी मॉडल नंबर है RMX2021 और ये फोन आएगी Helio P23 के साथ। Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आ चुकी है Geekbench पे। इसमें होगी 3GB ऑफ रैम, Realme UI 1.0 और Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलेगा। वैसे ये कौन सी स्मार्टफोन होगी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन थोड़ी बहुत लीक से यहाँ पे सामने आई है कि Realme 6 सीरीज की कोई बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन होगी। वैसे आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। और दोस्तों यही थी कुछ मजेदार टेक अपडेट्स और इसी के साथ आते हैं वीडियो के आखिर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक कीजिए, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूरत है। आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक केयर।